सो गाइस, मैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे सरीना को यूज़ कर सकते हैं। सरीना काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर है जिसका बेसिक अटैक से डैमेज आता है। अभी आप सोच रहे होंगे बेसिक अटैक से तो कुछ डैमेज नहीं आ रहा, पर ये रियलिटी नहीं है। आगे आपको पता चलेगा इसके बेसिक अटैक का सीक्रेट। देखिए, इस रैपिड स्पिन इससे 493 का डैमेज आता है और कूल डाउन 7 सेकेंड का रहता है, जो कि काफ़ी कम डैमेज है। और रेजर लीफ का 1020 का डैमेज आता है और इसका कूलडाउन कम है, 5 सेकंड का है। तो अब हम इसकी बात करते हैं, ट्रिपल एक्सेल और स्टॉक मिलते हैं, तो मैं तो ट्रिपल एक्सेल ही लेता हूँ और आप भी वही लीजिएगा। देखिए, 3 दफ़ा ऐसे घूमती है और इसका थोड़ा सा डैमेज आता है। देखिए, अभी आप ट्रिपल एक्सेल आपने ऐसे यूज़ किया तो इसका अब भी काफ़ी कम डैमेज आ रहा है इन दोनों चीज़ों को मिलाकर भी। पर अगर आप थोड़े से इसके आगे लेवल पे देखें, अभी ये सरीना बन गई, अब इस पर ड्रॉप किक ले लिया आपने ऐसे किया, और ये ट्रिपल एक्सल ग्रेसी ग्लाइड वैसे ज़्यादा अच्छी नहीं, ड्रॉप किक होती है। मैंने इसे गलती से ले लिया, मैं इसे चेंज करता हूँ, एक मिनट फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये रहा ग्रेसी ग्लाइड। देखे, तो अब हम इसके बाद करते हैं आगे के मूव की, जिसका नाम है ड्रॉप किक। ड्रॉप किक एक पॉइजन सा फैला देती है जिससे थोड़ा सा डैमेज आता है। अब ये सरीना बन गई है तो इसका जो भी बेसिक बूस्टेड अटैक होगा उससे इसका देखें। अब आपको ना इसमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसका एक ही पिंक कलर का बार है इसके हेल्थ से नीचे, फिर हमने ड्रॉप किक मारा ट्रिपल एक्सल, आपको अगेन एक ट्रिपल एक्सल या फिर ड्रॉप किक का मूव मिलेगा, जिसे आप काफ़ी केयरफुली यूज़ करिएगा। ऐसा ना हो कि आप ड्रॉप किक मार दें दोबारा, तब इसका बेसिक बूस्टेड अटैक जब भी होगा तो इसका एक बार फिल हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। और देखिए कितना ज़्यादा डैमेज इससे आ जाता है। अब हम इसके बात करते हैं यूराइट मूव की। इसके लिए मेरे हिसाब से तो आप जंगल ही लीजिएगा, क्योंकि इसका जब तक इसका 7 लेवल नहीं होता, जब तक सरीना नहीं बनती, जब तक इसका डैमेज नहीं आता। देखिए, अगर आपने इसकी यूनाइट मूव चलाई तो 2700 का कुछ डैमेज आता है, जो कि काफ़ी अच्छा डैमेज है। और ये सिंगल मतलब एक ही बंदे को ऐसे डैमेज देती है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है पर सही भी है। समझ लिया, आपका बंदा लो एचपी पे, जो भी सामने है अपोनेंट वो काफ़ी लो एचपी पे, तो आप इसको ऐसे पकड़ें और काफ़ी आराम से आप उसे वन शॉट कर सकते हैं इससे। और इस पे आप पेटल आइटम्स यूज़ कर सकते हैं, मसल बैंड, रैपिड फायर स्कार्फ और स्कोप लेंस। अब हम इसकी बात करते हैं आगे के मूव की, जिसका नाम है स्टॉम्प। वैसे तो आप ड्रॉप किक ही लिएगा दोनों के साथ। देखें, अब स्टॉम्प से एक ये अर्थ क्विक सा आता है जिससे इसका काफ़ी अच्छा खासा तो डैमेज नहीं आता। मैं आपको दिखाता हूँ कितना इसका आता है। स्टॉम्प का देखिए 652 डैमेज आ रहा है, पर अगर आप वैसे स्टॉम्प यूज़ कर सकते हैं वैसे उसका भी इतना ज़्यादा है नहीं आता, तो आप स्टॉम्प नहीं लिएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टॉम्प तो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल घटिया होता है ये, तो आप इसे नहीं लिएगा। सो यही थी मेरी आज की गाइड वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।